वेल गाइस, टाइम टू लीव। अभी निकल रहे हैं माधुरी लेक के लिए, तो चलिए आगे मिलते हैं। अभी बुमला से वापस जा रहे हैं। बाय बाय बुमला, फिर मिलेंगे अगर जिंदा रहे तो, इंशाल्लाह जरूर आएंगे फिर से। बाकी ये छोटा वाला लेक, और अभी जाएंगे माधुरी लेक। चलो मतलब गुरुदुंगमार्ग लेक के हिसाब से, गुरुदुंगमार्ग लेक में जो चेक पॉइंट था तो उतना एल्टीट्यूड इसमें है। बाकी गुरुदुंगमार्ग तो एल्टीट्यूड 18,700 फीट था, तो सोच सकते हो। फाइनली आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे स्नो, तो स्नो के साथ हम थोड़े बहुत यहाँ पे खेले, तो यहाँ पे क्या शानदार एक्सपीरियंस था स्नो के साथ। तो हम थोड़ा बहुत स्नो के साथ यहाँ पे फेंके किसी के ऊपर, उसके बाद यहाँ से आगे जाके क्या देखा आप खुद ही देख लीजिए। तो गाइस वहाँ से थोड़ा आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्रिस्टल आइस, यहाँ पे पानी गिर गिर के क्रिस्टल हो रहा है। देखो जैसे ये देखो गाइस क्रिस्टल हॉर्न। भाई साहब वेल गाइस, अभी आके हम पहुंच गए हैं सांगस्तार, जिसे लोग बोलते हैं माधुरी लेक, क्योंकि आपको पता है माधुरी लेक क्यों बोलते हैं। जो कोयला फिल्म उसमें एक गाना आया था, तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई। ये आप लोगों ने है, आप लोग का नजारा दिखाते हैं, देखिए भाई आ गए हम माधुरी लेक पे। अभी आगे थोड़ा सा हम रुकेंगे, फोटो रील और वीडियो आपको भी दिखाएंगे, टेंशन नहीं है, आप लोगों को दिखाने के लिए लाए हैं यहाँ पे। तो चलिए वेलकम टू सांगस्तार, जिसे बोलते हैं माधुरी लेक। यहाँ पे एक डांस होएगा, चले इसे भगवान हमारी हमेशा मदद करे, जरूर 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 करेगा। चलो बॉडी इसका, और बाकी लेक भाई क्या व्यू है, देख सकते हैं लेक में ही मतलब पेड़ है। चलिए देखिए क्या लोकेशन है। वेल गाइस, उस तरफ से तो अच्छी तरह से व्यू नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ा इस तरफ आ गए, तो आपको दिखाते हैं, रुकिए इस तरफ से। अब इस तरफ देखिए वो साहब, फिर भी नहीं दिख रहा है, रुकिए और थोड़ा आगे जाएंगे, क्योंकि सूरज तो सीधा मेरे सामने है और हम इस तरफ हैं, इसलिए देखिए इस तरफ कितना क्लियर हो रहा है। फोटो भी खींचेंगे, खींच लिए ऑलरेडी, अभी दिखाते हैं, रुकिए ये चेक करें। जंगल जंगल है, मतलब पानी यहाँ तक भी भर जाता होगा शायद। यहाँ पे आर्मी कैंटीन है, ताकि हम कैपेसिटी ऑर्डर कर दें, क्योंकि कैपेसिटी है 50 रुपीस। राजमा चावल है, छोले भटूरे भी हैं, देखते हैं क्या। कैपेसिटी आ गया अपना, तो इसको खा लेते हैं, टेस्ट देखते हैं कैसा है। हाँ टेस्ट तो बढ़िया है। बाकी वहाँ पे मैच चल रहा है, तन्हाई वेल गाइस, माधुरी दीक्षित का कार्यक्रम खत्म हो गया, माधुरी लेक का, माधुरी दीक्षित का नहीं।
तो हमने यहाँ पे रील भी शूट किया, वीडियो भी किया और खाया भी। खाने में तो कैपुचिनो खाया। बाकी अभी इसी को जगह को बाय बाय करते हैं। बाय बाय मधुरी लेक, फिर से मिलेंगे अगर फिर से आए तो। अभी सीधा जा रहे हैं तवांग मोनेस्ट्री, तो तवांग मोनेस्ट्री से उसके बाद सीधा रूम। तो चलिए, अभी कोई मोटो ब्लॉग नहीं होगा क्योंकि कैमरे में चार्ज नहीं है, क्योंकि कैमरे का चार्जर फिर से टूट गया। तो चलिए फाइनली बुद्धा टेम्पल आके पहुँच गए। तो यही है बुद्धा टेम्पल, मतलब लाइट्स नहीं है। अब दिखाते हैं आगे जाके, ये चेक करें। और यहाँ पे सब फोटो खींच रहे, मैंने भी खींचा, भी घूमता है, मैं घुमाता हूँ। रुकी वेल गाइस, अभी आए थे बुद्धा टेम्पल, अभी जाएंगे तवांग मोनेस्ट्री, फिर से द होटल। ओके, अभी जा रहे हैं, लेकिन बाकी कैमरा चार्ज नहीं है, हम ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। चलो फाइनली तवांग मोनेस्ट्री में आ चुके हैं। ये लगभग 1000 साल पुराना है और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट बुद्धा टेम्पल है। बुद्धा टेम्पल मतलब मोनेस्ट्री है, सॉरी। और यहाँ पे डेट लिखा है, दिखाते हैं आपको। चलो तो वैसे यहाँ पे लिखा है कि इसको 15 अक्टूबर 1997 को रिकंस्ट्रक्शन किया गया था। कंस्ट्रक्टेड बाय H5 दलाई लामा लामा। अच्छा, अगर नाम गलत हो गया तो सॉरी, पल दीजिएगा। तो गाइस, ये जो मोनेस्ट्री है 1680 का है, तो आप सोच सकते हैं कितना पुराना है। हाय, मैं तो बखला गया। चलो आखिरकार 1000 साल पुराना चीज़ कुछ तो देख लिया। वेल गाइस, फाइनली आके होटल रूम पहुंच गए बहुत ही पहले। तो बैठ के रेस्ट कर रहे थे, मतलब ठंडा है ना। बाकी वहाँ पे हीटर चल रहा है, देखिए हीटर लगा दिया भैया ने, हीरो ब्रो ने। बाकी यहाँ पे हमारा सामान सब पड़ा है। तो गाइस, अगर आज का आपने वीडियो देखा, क्या जबरदस्त था और ज़बरदस्त लोकेशन था। हम चाइना बॉर्डर के पास भी गए थे, लेकिन वहाँ पे वीडियो वगैरह भी अलाउ नहीं था, बाहर से ही हमने किया। तो चाइनीज लोग भी हमने देख लिया और बोला वहाँ पे क्या क्या हुआ 1962 में। तो हमें बहुत मज़ा आया और कल यहाँ से निकलेंगे नया डेस्टिनेशन की तरफ। और उसके बाद तीसरे दिन, मतलब उसके बाद का दिन, हम पहुँच जाएंगे घर सीधा। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो। बाय बाय।